नए साल में प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस आईपीएस अफसर। प्रमोशन के लिए मंत्रालय में सोमवार को हुई बैठक, यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने की बैठक की अध्यक्षता। तो खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, नए साल में प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस आईपीएस अफसर। प्रमोशन के लिए मंत्रालय ने सोमवार को बैठक की थी। साथ ही बता दें आपको कि यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। नए साल में प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस आईपीएस अफसर। प्रमोशन के लिए मंत्रालय में सोमवार को हुई बैठक, यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने की बैठक की अध्यक्षता। नए साल में प्रदेश को 29 नए आईपीएस आईएएस अफसर मिलेंगे। प्रमोशन के लिए मंत्रालय में सोमवार को बैठक हुई, साथ ही यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बताते हैं आपको कि नए साल में 29 आईएएस आईपीएस अफसर प्रदेश को मिलने वाले हैं। प्रमोशन के लिए मंत्रालय में सोमवार को बैठक हुई थी और यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने बैठक की अध्यक्षता की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि अवस्थी जी, आपसे जानना चाहेंगे आईपीएस आईएएस अफसर 29 मिलने वाले हैं प्रदेश को, क्या कोई जानकारी है? जी नहीं, बिल्कुल, हालांकि कल जो बैठक हुई है उसमें जिन नामों पर विचार किया गया, 54 नामों को नाम विचार किया गया था, लेकिन ज्ञान पता ये चला है कि केवल 11 के लिए जो है वो आईएएस के 11 पदों के लिए जो है वो नामों को चयन करके और अब यूपीएससी को भेजा जाएगा आगे और उसमें विचार विमर्श होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो चूंकि 18 पदों के लिए होना था, लेकिन बाकी के 7 नामों को रोक दिया गया है। जो अगर आईएएस के संबंध के लिए बात कही जाए तो देखिए, जो सुधीर कोचर है, रानी वाटर है, चंद्रशेखर त्रिपुरा है, सुखवंत सिंह है, नारायण सिंह है, दिलीप कौशल है, पुतेश बैस है, अरविंद बेडेकर है, अजय देव, न्याज अहमद, नीतू माथुर, रंजू भदौरिया, जमुना भिड़े और इन नामों पर विचार हुआ है। और इसी तरह पिंजर शहर में बैठ के जो आज पुलिस सेवा के अधिकारी है उनमें 11 नामों को जो है हरी झंडी दी गई है। निश्चित तौर पर ये जो पद है वो मुझे लगता है कि नए साल में ये आईएएस आईपीएस के पद मिल जाएंगे अनन्य। इसके अलावा देखिए अनन्य, जो मतलब आईजी से डीआईजी से आईजी और आईजी से एडीजी बनाने के लिए जो प्रमोशन होना था वो बैठक भी टल गई है। 21 दिसंबर को बैठक होनी थी, अब वो 27 दिसंबर को होगी। इसी तरह सेक्रेटरी से प्रमुख सचिव और सचिव अपर सचिव से सचिव बनाने के लिए भी, हालांकि जो 25 दिसंबर को बैठक है मुझे नहीं लगता कि वो 25 दिसंबर को अवकाश है, तो सब मुद्दा ये भी टल सकती है। अनन्या जी, चलिए बहुत धन्यवाद रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि प्रदेश को नए साल में 29 आईएएस आईपीएस अफसर मिल सकते हैं। साथ ही बता दें आपको कि इसके लिए मंत्रालय में सोमवार को बैठक हुई थी और यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी।